नमस्कार दोस्तों, आज हम वीडियो बनाएंगे डम्बल केयर कैम 360 स्मार्ट सीसीटीवी कैमरा के ऊपर। दोस्तों, ये एक वायरलेस स्मार्ट सीसीटीवी कैमरा है जिसको आप अपने घर या ऑफिस कहीं पर भी इंस्टॉल कर सकते हैं, और आपको इसे इंस्टॉल करने के लिए किसी भी टाइप की टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही ईजी एंड सरल तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको इसे कनेक्ट करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको अपने मोबाइल में एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और इस एप्लीकेशन के थ्रू आप इस कैमरे को कॉन्फिगर कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं इस कैमरे में क्या क्या ऑप्शन हमें अवेलेबल है और हम इसको कैसे चला सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इस कैमरे के सामने इसकी लुक काफ़ी ही अच्छी है। यहाँ पे लेंस है, लेंस को अगर इसको ऊपर की साइड रोटेट करें तो नीचे एसडी कार्ड स्लॉट का हमारे पास ऑप्शन है। तो इस कैमरे के अंदर हम 64 GB तक का एसडी कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं। ये एसडी कार्ड कैसे इंस्टॉल करना है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। यहाँ पे नोटिफिकेशन लाइट है। अब हम इसके अगर पीछे देखें तो हमें कुछ ऑप्शन गिवन है, जैसे कि लैन केबल का ऑप्शन गिवन है। यहाँ पे हम लैन केबल इंसर्ट करके अपने राउटर से डायरेक्टली भी कनेक्ट कर सकते हैं वायर के थ्रू, और अदरवाइज़ हम इसको वायरलेसली भी कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे यूएसबी स्लॉट है। ये यूएसबी स्लॉट, इसके साथ और भी गैजेट्स आते हैं, इंट्रूडर अलार्म, स्मोक अलार्म टाइप की गैजेट्स आते हैं, उसको कनेक्ट करने के लिए ये यूएसबी स्लॉट गिवन है, ये पेन ड्राइव के लिए नहीं है। यहाँ पे पावर पॉइंट प्लग है, यहाँ पे हमें पावर पॉइंट प्लग करना है, और ये रिसेट बटन है। तो आइए दोस्तों, इसको हम प्लग करते हैं। पहले इसके साथ जो एसएसएस गिवन है, सारी बॉक्स के अंदर गिवन है, आपको इसके अलावा कोई आइटम की ज़रूरत नहीं है इसको कॉन्फिगर करने के लिए। यहाँ पे स्टैंड गिवन है हमें, इस स्टैंड को हम साइड कर देते हैं। तो दोस्तों, आइए इसको पावर प्लग करते हैं हम। यहाँ से हमने इसको पावर प्लग कर दिया है। देखिए, नोटिफिकेशन लाइट चालू हो गई है। जब तक ये कैमरा चालू हो रहा है, हम अपने मोबाइल के अंदर केयर कैम प्रो नाम का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हैं। ये देखिए, कैमरा ऐसे रोटेट होता है, आप इसको मोबाइल एप्लीकेशन से आप रोटेट कर सकते हैं। पर चालू होने के बाद ज़रूर ये रोटेट होगा। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ऑलरेडी केयर कैम प्रो इंस्टॉल कर रखा है। आप अपने मोबाइल में, स्मार्ट मोबाइल में अंदर एंड्रॉयड के अंदर प्ले स्टोर से एंड एप्पल के अंदर एप्पल स्टोर से हम केयर कैम प्रो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं केयर कैम प्रो टाइप कर रहा हूँ एंड ये ऑप्शन आ गया मेरे पास, इसको सेलेक्ट करता हूँ। देखिए, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। आप यहाँ से इंस्टॉल करके ऐप चालू कर सकते हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, मैं इस ऐप को खोल लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं सारी परमिशन अलाउ कर देता हूँ। तो दोस्तों, इसको लॉगिन करने के लिए मेरे को ईमेल आईडी इसको रजिस्टर करना होगा पहले, तो उसके लिए इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मेरे पास इंटरनेट के लिए मेरे पास वाईफाई डोंगल अवेलेबल है, कॉनपे का। ये एक सिम डोंगल है जिसमें मैं किसी भी टाइप की कोई भी कंपनी की सिम डालकर ब्रॉडबैंड की सर्विस यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे देखिए, मैं अपनी वीआई की सिम डाल रहा हूँ। यहाँ पे मैंने अपनी वीआई की सिम डाल दी है। इसकी खासियत है, आप कोई भी इस कंपनी का सिम डाल सकते हैं। अब इसको पावर प्लग कर देते हैं। मैंने चालू कर दिया है, जब तक इसमें इंटरनेट आएगा हम वेट करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे एलटी लाइट जलेगी, देखिए लाइट चालू हो गई है। तो हमारा इंटरनेट एक्टिव हो गया है। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें इसके अपने मोबाइल को वाईफाई से कनेक्ट करना है, और यहाँ पे हमें अपनी लॉगिन आईडी डालनी है। मैंने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है, तो मैं सीधा अपने गूगल से, मैंने इसको रजिस्टर किया था तो मैं सीधा ही गूगल से क्लिक करके लॉगिन कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी मैंने सेलेक्ट कर ली है, ये देखिए लॉगिन हो गया है। अब दोस्तों, यहाँ सेंटर में देखिए प्लस का साइन बना हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेस प्लस साइन टू ऐड अ कैमरा। तो दोस्तों, मैं कैमरा ऐड करने के लिए आप प्लस के साइन पे क्लिक करना होगा। मेरे पास ये कुछ ऑप्शन आ गए हैं, इसमें मैं फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, ऐड अ डिवाइस। ऐड अ डिवाइस सेलेक्ट करने के बाद मेरे पास तीन ऑप्शन आते हैं, पेयर बाय क्यूआर कोड, पेयर बाय एपी कनेक्शन एंड सर्च इन लैन। दोस्तों, पेयर बाय क्यूआर कोड आपको तब यूज़ करना है जब अपने कैमरे को आपको ब्रॉडबैंड या राउटर से कनेक्ट करना है, और इस कैमरे को आपको कोई रिमोट लोकेशन से, जैसे अगर आपने ऑफिस में इंस्टॉल कर रखा है और आपने ऑफिस में ही राउटर से इस कैमरे को कनेक्ट कर दिया और आपको इसे कहीं और से भी देखना है, तो आप पेयर बाय क्यूआर कोड से करेंगे। और अगर आपके पास राउटर नहीं है जहाँ पे आपको इस कैमरा इंस्टॉल करना है, तो आपको जब भी आप उस
एरिया में कैमरे के पास होंगे तभी कैमरा देखना है, तो आप इसमें पेयर बाय एपी कनेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बना रखी है जो आपको यहाँ पे नीचे की साइड नज़र आ जाएगी। और नीचे लास्ट सर्च इन लैन ऑप्शन है, सर्च इन लैन में आपको इस कैमरे को वाईफाई से कनेक्ट करना है थ्रू लैन केबल। तो पीछे जो लैन पोर्ट गिवन है हमारे पास, ये वाला लैन पोर्ट, तो इससे हम वायर के थ्रू, एथरनेट केबल के थ्रू इस कैमरे को वाईफाई से कनेक्ट कर देंगे और फिर सर्च इन लाइन पे क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल के अंदर कैमरा ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको पेयर बाय क्यूआर कोड किया, यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है मुझे इस कैमरे को रिसेट करना है, पीछे एक रिसेट बटन को दबाकर। तो मैं इस रिसेट बटन को दबा के रखूँगा कुछ देर के लिए जब तक मुझे डिंग साउंड नहीं सुनाई देती है। तो ये कैमरा अब रिसेट हो गया है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। रिसेट होने के बाद ये कैमरा, मुझे तब तक वेट करना है जब तक ये वेलकम टू यूज़ नहीं बोलता है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। कैमरे ने वेलकम टू यूज़ बोल दिया है। अब इसके नेक्स्ट है, इसको टिक करके नेक्स्ट है। यहाँ पे कैमरा मेरे से लोकेशन एक्सेस करने के लिए कह रहा है, मैं ओके कर देता हूँ, परमिशन दे देता हूँ। यहाँ पे अब कैमरा मेरे से वाईफाई सेलेक्ट करने के लिए पूछ रहा है कि हमें इस कैमरे को किस वाईफाई से अपने कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं चेंज कर लेता हूँ, मुझे कॉनवेल राउटर से कनेक्ट करना है। इसका वाईफाई नेम मास्टेल नाम से है, ये देखिए यहाँ पर आया हुआ है नीचे हीरा, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने पासवर्ड ऑलरेडी डाला हुआ है, मैं इसको ऑलरेडी यूज़ करता हूँ राउटर को, तो यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। अब ये कनेक्ट हो रहा है मेरा मोबाइल राउटर से। यहाँ पे ये कनेक्ट हो गया है, अब मैं बैक क्लिक करूँगा तो ये मैं वापस एप्लीकेशन पे आ गया। यहाँ पे देखिए ऊपर मेरा वाईफाई का नाम लिखा आ रहा है, यहाँ पे मैं इसको अपने वाईफाई का पासवर्ड डालूंगा। दोस्तों इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा, जो आप वाईफाई का पासवर्ड है वो सही डालिए, अगर आप गलत डालेंगे तो आपका कैमरा वाईफाई से कनेक्ट नहीं होगा, तो इस चीज़ का आपको खासा ध्यान रखना है। यहाँ पे मैं कनेक्ट टू वाईफाई क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे एक क्यूआर जनरेट हो गया है, इस क्यूआर को मुझे कैमरे के सामने रखना है ताकि मेरे कैमरा वाईफाई से कनेक्ट हो जाए। तो अब यहाँ पे देखिए मेरे को साउंड सुनाई दिया है, तो इसका मतलब मेरा कैमरे ने क्यूआर कोड रीड कर लिया है। अब मेरे को वेट करना है, कैमरा ओके बोलेगा तो यानी मेरा कैमरा वाईफाई से कनेक्ट हो रहा है। अगर आपका कैमरा ओके नहीं बोलता है काफ़ी देर तक और 3 बार टिंग की साउंड आती है, तो इसका मतलब या तो आपका कैमरा और राउटर बहुत दूर है या आपने पासवर्ड गलत डाला है। तो प्लीज़ वो चीज़ चेक करिएगा, उसको दोबारा कॉन्फ़िगर कीजिएगा। यहाँ पे मेरा कैमरा कॉन्फ़िगर हो गया है, यहाँ पे ऑफिस सेलेक्ट किया और मैंने इसको फिनिश कर दिया है। यहाँ पे देखिए मेरा कैमरा आ गया है, यहाँ इसको मैं प्ले करके देखता हूँ। यहाँ पे मैंने इस कैमरे को प्ले किया, अब ये देखिए मेरा कैमरा चालू हो गया है और इसको मैं पूरे तरीके से रोटेट कर पा रहा हूँ। और इससे मैं कहीं पे भी इंस्टॉल करके कहीं से भी पूरे अपने रूम का वीडियो देख सकता हूँ कहीं भी रोटेट करके। तो आपको बहुत सारे कैमरे लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप एक ही कैमरे को लगाकर पूरे रूम का व्यू आप देख सकते हैं। यहाँ पे और भी सेटिंग्स हैं मेरे पास कैमरे के अंदर, इसके अंदर देखिए आप सेटिंग के अंदर जाकर बहुत सारे हमारे पास सेटिंग ऑप्शंस है, आप कोई भी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। अलार्म सेटिंग है, अलार्म सेटिंग पे क्लिक करें तो यहाँ पे मोशन डिटेक्शन है, ह्यूमन डिटेक्शन है, यहाँ पे आपको सायरन भी आप ऑन कर सकते हैं, सेंसिटिविटी भी आप डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे नेटवर्क सेटिंग है, यहाँ पे जाकर आपके पास ऑप्शन होता है कि आपको वाईफाई चेंज करना हो अपने कैमरे का, तो आप वो भी कर सकते हैं। अब नीचे ये एसडी कार्ड का ऑप्शन है, मैंने मेमोरी कार्ड नहीं इंस्टॉल कर रखा है, तो यहाँ पे एरर शो कर रहा है नो एसडी कार्ड फाउंड। तो अब हम इसमें और सारे फीचर्स से आप सारी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब हम बैक जाते हैं और अब हम इस कैमरे को एसडी कार्ड इंस्टॉल करके दिखाएंगे कि हमारे एसडी कार्ड कैमरा कैसे डिटेक्ट कर रहा है। तो ये वाला एसडी कार्ड मैं स्कैन डिस्क का 64 GB का एसडी कार्ड, 64 GB का एसडी कार्ड डाल रहा हूँ और इसको मैं इस तरीके से इंसर्ट कर दूंगा जब तक मुझे क्लिक की साउंड नहीं आती है।
अब मैं इसकी पावर ऑफ करके इसको ऑन करूँगा। अब मैं वेट करता हूँ, कैमरा दोबारा चालू होता है और फिर ये कनेक्ट हो जाता है। अब कुछ देर वेट कीजिएगा। देखिए कैमरे की एक चीज़ हो रहा है, नोटिफिकेशन लाइट से आपको पता लग जाता है। जब नोटिफिकेशन लाइट पिंक कलर की ग्लो होती है तो इसका मतलब है कि ये हमारा कैमरा वाईफाई से कनेक्टेड है। अब देखिए लाइव वीडियो चल रही है, यहाँ पे सेटिंग पे जाते हैं। सेटिंग पे जाकर अगर हम नीचे जाएँ, जैसे आप देख पा रहे हैं कैमरे ने मेरा SD कार्ड डिटेक्ट कर लिया है। दोस्तों इस कैमरे में आपको रिकॉर्डिंग की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पुरानी रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली डिलीट होती रहती है और नई रिकॉर्डिंग अपने आप ही उसको ओवरराइट करती रहती है। यहाँ पे हमारे ऐप के अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं जिसको आप देख सकते हैं। इसमें आपको रिकॉर्डिंग ट्यूटोरियल देखने के लिए मेमोरी कार्ड भी निकालने की जरूरत नहीं है, मोबाइल ऐप के थ्रू ही आप देख सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं आप इस कैमरे को अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर से भी शेयर करना चाहते हैं कि वो भी अपने मोबाइल के अंदर लाइव वीडियोस देख सकें, तो आप इस कैमरे को शेयर करने के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे शेयर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके दो ऑप्शन आएंगे। या तो आप इसको QR कोड स्कैन करके कर सकते हैं, या आप अपने फैमिली मेम्बर की रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डाल के कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए QR कोड जनरेट हो गया है। दूसरे मोबाइल में भी आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करके इस QR कोड को स्कैन करके उस मोबाइल में ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे इस ऑप्शन के अंदर आप उस फैमिली मेम्बर की ईमेल आईडी डाल के उसको उनके मोबाइल के अंदर भी कैमरा ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये दो मेथड है जिसके थ्रू आप अपने फैमिली मेम्बर के साथ ये कैमरा शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा डम्बल केयर कैम स्मार्ट CCTV कैमरा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और आपको कैमरे के रिलेटेड कोई भी इश्यू आ रहे हो और वर्किंग में कोई इश्यू हो तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, हमारी टीम कोशिश करेगी आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।